कुशा ने फिर उससे झूठ बोला, धोखा दिया, तो वो गोली से उड़ा देगा नकुशा को। लो भाई, हमें तो लगा था कि नकुशा का असली रूप देखने के बाद तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। लेकिन भाऊ, खूबसूरत नारी के आगे तो भगवान भी हार गए थे, तो फिर आप तो मामूली से इंसान हो। चलिए, फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो हम इंतजार करते हैं उस वक्त का जब नकुशा का असली चेहरा आपके सामने आएगा और फिर देखेंगे आपका रिएक्शन। मुंबई से आलोक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, E24। दत्ता से बेशक सभी को डर लगता हो, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लगता। तभी तो हमारी रिपोर्टर उन्हीं से सीखने लगी पिस्टल चलाना। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, आज मेरे रास्ते में मत आ। दोस्तों, इस वक्त हम हैं मिशाल के कमरे में, ये उनका मेकअप रूम है और जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी तैयारी हो रही है, बहुत ही हाई पॉइंट इमोशनल ड्रामा सीक्वेंस होने वाला है थोड़ी देर में, और जिसके लिए मिशाल रट्टा मार मार के तैयार कर रहे हैं अपने आप को अपने रोल के लिए। लेकिन इस वक्त मेरे पास एक बहुत ही अच्छी दिलचस्प चीज़ है, धाजू चीज़ है, ये है बंदूक। शायद आपने कई फिल्मों में देखी होगी, और मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल असली बंदूक है। उफ, और मैं चाहूंगी अगर आप देखें तो ये कैलिबर 389 mm की मेड इन इटली की मैग्नम गन है। इसमें बुलेट ना हो, अगर धूल भी अगर अटक जाए और चला दिया जाए तो किसी को चोट पहुंच सकती है, तो ये बिल्कुल ही असली है और हम इसी से शूटिंग करते हैं ताकि रियल फील आ सके। वेल, इन दैट केस मैं ये बंदूक आपके कनपट्टी पे रख रही हूँ। दत्ता भाऊ, अगर आपने मुझे गन चलाना नहीं सिखा है तो मैं आपको गोली मार दूंगी। ऊपर पहुंच जाओ। चलाते कैसे हैं? मैंने आपको बहुत बार गन चलाते हुए देखा है शो में, आप मुझे सिखाइए कि इसको चलाते कैसे। हाँ, पिछले 3 दिनों से हम जो शूटिंग कर रहे हैं जंगलों में वो इसी बंदूक के साथ है, तो मैं सीख चुका हूँ। ये जो है लेवर, इसको पीछे खींचते और हाँ, और इसे बाहर निकालते। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ है, ये है जो हम बुलेट्स चाहते हैं, यहाँ पर बुलेट्स डाल के इसे फिर से बंद किया जाता है। इसे कॉर्क करने की जरूरत नहीं, ये इटालियन मेक है, ये ऑटोमेटिक है, बस सीधा निशाना लगा के और देन ट्रिगर द सामने वाला ऊपर। मैं ट्राई करूं एक बार? आप ट्राई कर सकते, लेकिन वहां पॉइंट करके ट्राई कीजिए, मेरी तरफ नहीं। अच्छा, ये इसको क्या करना है मुझे बताइए। पीछे खींचिए, इसको पीछे खींचना है। हाँ, इसे पीछे खींचना है। इस उंगली से इसे बाहर धकेलिए, ये इस उंगली से बाहर धकेलिए, बाहर इसको। आप पीछे नहीं खींच रहे, काफी टाइट है वैसे। इसको ऐसे, और ये हाँ गोलियां लोड कर दी। हाँ, और अब ये बिल्कुल तैयार है। बस सिंपल निशाना लगा। गैंगस्टर बनना बहुत आसान है। तो कैसे लग रही मैं, लेडी गैंगस्टर? हाँ बिल्कुल, मुझे आप अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे? हाँ हाँ, वैसे भी नकुशा के आते ही लेडीज का एंट्री हो चुका है मेरे गैंग में, तो 2-3 और आ जाए तो अच्छा है। वेल दोस्तों, तो अपुन की जगह दत्ता भाव के गैंग में पक्की हो गई है। अभी अपुन चलता है, आपको बोल के जाता है कि आप लोग देखने का लागी तुझसे लगन का नया एपिसोड। क्या बेड़ू देखेगा? नहीं तो दत्ता भाव आके गोली मार देगा। कैमरामैन अजीत के साथ समीना रजा, मुंबई E24। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, आज मेरे रास्ते में मत आ। और यहाँ पर